हेलो फ्रेंड, मैं मिथुन और आप सभी को आपके चैनल इजी गार्डनिंग प्लान में स्वागत है। ये मेरा चाइनीज़ रोज है, इसे मैं 3 हफ्ते पहले नर्सरी से लेके आए थे, तो इसका प्राइस वो लगातार लगभग 150 रुपया, 100 रुपीज़। तो मैंने सोचा था इसको इसी में ही रख देंगे, ये जो गमला है इसी में ही रख देंगे, लेकिन अभी देख रहे हैं इसका जो मिट्टी है इससे पानी ठीक से ड्रेनेज नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको रिपोर्टिंग कर देंगे और वो आप उसके साथ शेयर करेंगे। नहीं रिपोर्टिंग किए तो इसमें पानी जमकर ये सूख भी इसका जड़े सड़ जाएगा। ये जो प्लांट है ये मर जा सकते थे, इसीलिए हम इसको रिपोर्टिंग कर देंगे। अब इसको इसके लिए क्या करना है, पहले इसे ये प्लांट को ये गमले से बाहर निकलना है। इसके लिए इसे हम दिखाते हैं कैसे इसको बाहर निकाला जाता है। ये जो उंगली है इससे ये जो प्लांट है इसके दो साइड से ऐसे हाथ देकर इसे पलट देना है। उसके बाद क्या करना है, ऊपर से कुछ भारी चीज़ से आहिस्ता आहिस्ता ऐसे करने से ये खुद ही खुद बाहर निकल आएगा। नहीं तो और एक हो सकता है, ये जो किनारा है ये किनारे को कोई दीवार के किनारे से ठोकने से ही आहिस्ता आहिस्ता ठोकने से भी ये बाहर आ जाएगा। मैं हाथ से ही ठोक के इसे बाहर करूँगा। हो गया मेरा, ये देखिए इसका रूट बॉल। तो हो गया है, अभी मैं इसे एक नए पॉट में से शिफ्ट करूँगा। ये मेरा एक गमला है, इसके अंदर ही से शिफ्ट करूँगा। ये जो नीचे का होल है इसके अंदर एक पत्थर का टुकड़े से इसे रख कर इसके ऊपर से हम मिट्टी डालेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे हम इसको करते हैं। पहले इसे मिट्टी देकर एक ऊपर से फिर इसका एक बेड पहले नीचे से कर लेते हैं। उसके बाद ये जो प्लांट है इसे हम देखेंगे फिट होता है कि नहीं। नहीं अभी इसमें मिट्टी देना है। बस अभी हो गया, इसमें फिट हो गया है। अभी हम इसका जो रूट बॉल है इसे थोड़ा थोड़ा करके लगा कर लेंगे ऐसे। ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसे हम तोड़ देंगे। बस हो गया, अभी इसको एकदम मिडिल पोजीशन में रख के साइड साइड से हम ऐसे मिट्टी में डाल देंगे। तो हम इसे मिट्टी भर के फिर आते हैं।
मैंने मिट्टी भर लिया है। अभी एक काम करना है, वह कोई चीज़ से ये जो किनारे वाला हिस्सा है इसे थोड़ा दबा देना है, ताकि इसका नीचे जो कोई जगह अगर खाली रह जाए तो उसे ये दबाव से वो जगह एकदम पूरा भर जाएगा। देखिए कितना मिट्टी अंदर चला गया है, नहीं तो इसमें यार जम जाएगा, फिर ये पौधे के लिए भी अच्छा नहीं है। तो कोई चीज़ से आप ऐसे कर ले। उसके बाद अभी थोड़ा मिट्टी इसमें डाल देना है। देखिए मैंने इसको मिट्टी दे दिया है, अभी इसमें हम पानी देंगे एकदम साइड से, पानी दे देंगे इसमें। बस हो गया है। अभी एक काम बाकी है, वो ये जो फ्लावर है, ये फ्लावर को फ्लावर एकदम खिल गया है, अभी इसे रखने से कोई फायदा नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो फ्लावर है इसे हम काट देंगे कैंची के मदद से। इसे हम ऐसे ऐसे करके काट देंगे, फिर इसका ग्रोथ, तब इसका ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। तो हम अभी इसे काट देते हैं, इसे भी काट देते हैं। हम ये नोट वाला हिस्सा इधर रहने देंगे। देखिए इधर से काटेंगे, इसे भी काट देंगे। अभी क्या करना है, एक चीज ये है, हल्दी पाउडर, टर्मरिक पाउडर, ये आसानी से सबके घर में मिल जाता है, किचन में ये सभी का घर में लगभग रहता है। तो क्या करेंगे, जो हम हिस्सा काटे थे इसका, उस वो वाले हिस्से में ये थोड़ा थोड़ा करके दे देंगे। ये टर्मरिक एक एंटी फंगल के काम आएगा, इसमें कोई फिर इसमें कोई फंगल अटैक नहीं होगा। ऐसे हाथों से दे देंगे, बहुत एंटी फंगल है, बहुत ये बहुत अच्छा है टर्मरिक, घर सभी को घर में लगभग मिल जाता है। और अभी हम इसमें थोड़ा सा मास्टर केक साइड साइड से एकदम थोड़ा सा एकदम बिल्कुल थोड़ा सा इसमें डाल देंगे। और एक बात, अभी जब भी कोई मास्टर केक हो, कोई खाद वगैरह डाले, तो उससे पहले मिट्टी को पहले पानी से भिगो लेना, उसके बाद ही इसे डालना, नहीं तो इसका जो इफेक्ट है वो डायरेक्ट पेड़ पौधे को इफेक्ट करता है। इसलिए तो फ्रेंड, कैसा लगा मेरा ये वीडियो, अगर अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना, और जो बेल बटन है उसे भी क्लिक कर देना, ताकि जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो फटाफट आपके पास पहुंच जाए। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड, खुश रहिए, टाटा बाय बाय।